नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम बात करेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या है और वो कैसे काम करती है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो सिंबल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसका इंडिकेशन जब डैशबोर्ड के ऊपर दिखता है तब क्या होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। आपके व्हीकल के जो व्हील है उसकी जोर के ऊपर जितनी भी ग्रिप बनी रहेगी उसे कहा जाता है ट्रैक्शन, यानी कि जितना ट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना आपका व्हील जोर के ऊपर स्लिप कम होगा, और जितना ट्रैक्शन कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका व्हील जोर के ऊपर स्लिप होगा। अब अगर प्रैक्टिकल कंडीशन की बात की जाए तो जब भी आप व्हीकल को लेकर रोड के ऊपर जा रहे हैं और अगर वेट सरफेस के अंदर आपका जो व्हील है वो आ गए, यानी कि रोड के ऊपर पानी है और उसके ऊपर आपके एक या दो व्हील आते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो व्हील का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण वो व्हील की स्पीड बढ़ जाएगी और उसका स्लिप रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ को कम करने का जो काम है वो करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो अब बात करते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है उसे कार के अंदर क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है। तो उसके दो रीज़न हैं। पहला जो है वो है स्टार्टिंग के लिए और दूसरा जो है वो हैंडलिंग के लिए। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो अगर कोई हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है जिसके अंदर बहुत ही बड़ा इंजन लगा है या फिर कोई ऐसा व्हीकल है जिसकी टॉर्क डिलीवरी है जो ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग के समय जो व्हील है वो स्लिप होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ही इतना ज़्यादा आएगा, टॉर्क इतना ज़्यादा होगा। जब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो व्हील को स्लिप नहीं होने देता, जिसके कारण आपको स्टार्टिंग है उसके अंदर बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन मिलता है और व्हील की जो स्लिप है वो मिनिमम हो जाती है। बात करते हैं हैंडलिंग की। तो जब आप रोड के ऊपर जा रहे हैं और अगर एक या दो व्हील अलग सरफेस के ऊपर आ गए, यानी कि वेट सरफेस है उसके ऊपर आ गए, तो हैंडलिंग जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर चला जाता है। तो वो हैंडलिंग बनाए रखने का काम करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हर एक व्हील के ऊपर लगा होगा एक व्हील स्पीड सेंसर, जिसे ECU के साथ कनेक्ट किया जाएगा। बाद में आएगा व्हीकल स्पीड सेंसर, वो भी ECU के साथ कनेक्ट होगा। बाद में आएगा कंट्रोल मॉड्यूलेटर, जिसको भी ECU कनेक्ट करेगा उसके साथ कनेक्ट होगा मास्टर सिलेंडर। और कंट्रोल मॉड्यूलेटर में से 4 हाइड्रोलिक लाइन जाएगी हर एक व्हीकल के व्हील सिलेंडर के अंदर। अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो जो ECU है वो कॉन्स्टेंटली चारों व्हील स्पीड सेंसर में से डेटा लेता रहेगा और उसके साथ जो व्हीकल की स्पीड है वो भी रीड करेगा व्हीकल स्पीड सेंसर के अंदर से। अब होगा क्या कि जब भी कोई एक व्हील जो है वो पानी के ऊपर या किसी भी और स्लिपरी सरफेस के ऊपर आता है तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ECU डिटेक्ट करेगा कि एक व्हील की जो स्पीड है वो बाकी के व्हील्स के मुकाबले बढ़ गई है, तो वो कंट्रोल मॉड्यूलेटर को कमांड देगा और कंट्रोल मॉड्यूलेटर वो जो व्हील की स्लिपेज बढ़ गई है उस व्हील के ऊपर पार्शियल ब्रेक अप्लाई करेगा, जिसके कारण वो जो व्हील है उसका जो स्लिपेज है वो कम हो जाए और उसके कारण आपका जो व्हीकल है उसके ऊपर आपका हैंडलिंग बना रहेगा। ऐसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा गया था जब भी ये सिंबल जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो स्टीयरिंग के मुकाबले व्हीकल को कंट्रोल करने में मदद कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव्स चैनल को, ताकि नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर मिला रहे।